कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च से महाराष्ट्र के साथ ही शहर के सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए थे। आखिरकार दीपावली पर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को नियमों के साथ सभी धार्मिक स्थल खोलने पर अनुमति दी है। सोमवार को शहर के सभी धार्मिक स्थल भक्तों के लिए खोल दिए गए। कोरोना के चलते पिछले 8 माह से शहर के सभी धार्मिक स्थल बंद थे। कोरोना जैसी महामारी संकट आने के बावजूद भक्त अपने पालनहार के पास नहीं जा सकते थे। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक में सभी चीजें धीरे धीरे कर खोल दिए, मगर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद मंदिर खोलने पर आंदोलन और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। आखिरकार सोमवार को धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार ने दे ही दी, जिससे शहर के सभी धार्मिक स्थल खोले गए और भक्त अपने पालनहार को देख पाए। धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी तो है, मगर नियमों के साथ। जी हाँ, अगर आप किसी धार्मिक स्थल जा रहे हो तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। साथ ही सोशल दूरी भी रखना जरूरी है। इसी नियम को देख कुछ मंदिरों ने ई पास सुविधा शुरू की है। शहर के मंदिरों में कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। पूरा मंदिर सैनिटाइज किया गया है। साथ ही मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की थर्मल जांच भी की जा रही है। मंदिर खोलने के सरकार के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत किया गया है। मंदिर खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया था। सोमवार को इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुशी मनाई गई। शहर के विविध धार्मिक स्थलों पर जाकर महाआरती की गई। वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में आनंदोत्सव मनाया गया। इस आनंदोत्सव में शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए उपस्थित थे। बहुत ही उल्लास का वातावरण है और जो कोरोना काल में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पूरे देश में जो कोरोना व्याप्त हुआ था, वो सारे मंदिर बंद हो गए थे, संचार व्यवस्था बंद थी। मंदिर बंद होने से भक्तों में निरुत्साह का वातावरण था और आज दीपावली के पर्व पर ये मंदिर वापस खुले हैं। यद्यपि लेट खुले हैं पर खोल दिए गए हैं। ये भक्तों को सरकार की ओर से बहुत उपहार दिया गया है। इसके लिए मैं स्वयं अपने ट्रस्ट बोर्ड की ओर से सरकार का आभारी हूँ और महालक्ष्मी भक्तों में उल्लास का वातावरण है और बहुत उल्लासमय वातावरण में आज भक्त लोग देवस्थान पूजा कर रहे हैं और परमात्मा करे, परमात्मा इस प्रकार सरकार भक्तों का ध्यान रखा करें।